नीमच के सिंगोली तहसील की जाट पंचायत अंतर्गत गौशाला में भारी लापरवाही देखने को मिली है। लापरवाही की यह शर्मनाक तस्वीर से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। गायों की अकाल मौत और जिम्मेदारों के लापरवाहीपूर्ण रवैये से ग्रामीणों का गुस्सा जमकर फूटा है। ग्रामीणों की माने तो इस पूरे मामले पर शासन प्रशासन भी राजनैतिक दबाव में जिम्मेदारों के लापरवाहीपूर्ण रवैये पर चुप्पी साधे बैठे हैं। जाट गांव की नवनिर्माण गौशाला में अव्यवस्थाओं की भरमार है। यहां आए दिन रोती बिलकती गाय लाचार व्यवस्थाओं के कारण दम तोड़ने को मजबूर है। ग्रामीणों की माने तो यहां अब तक सैकड़ों गाय दम तोड़ चुकी हैं। इस भारी अव्यवस्था के कारण गायों की दुर्दशा से ग्रामीणों ने पंचायत सरपंच पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में ग्रामीणों ने वीडियो जारी करते हुए गौशाला की भारी अव्यवस्थाओं का जिक्र किया है, साथ ही जिम्मेदार दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग भी उठाई है। और आटे की समिति बनी थी कि नहीं बनी थी? समिति मैं तो होने को नहीं था। अच्छा, समिति गाय डांडोर रोज रोज मर रहा है, खाली आज आज ही मर रहा है? रोज ही मर रहा है, मरता तो नहीं यार। हाँ, खतरा रोज खतरा मर रहा है? दो तीन, एक दो खाली पाँच रहा मर रहा है। अच्छा, दो तीन रोज मर रहा है? दो मरा, तीन मरा, पाँच रहा मर रहा है। अच्छा, एक भाई नाम कर दिया कोई गौशाला चल रही है, ना तो कोई समिति का पता है। बना भी दी होगी तो सरपंच ने उसके हिसाब से बना दी, गाँव वालों को किसी को पता नहीं कि यहाँ अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है। मंथली सुनने में आ रहा है कि भाई मतलब बाटे का पैसा आ रहा है कि हरे चारे का पैसा आ रहा है, कुछ भी। गायों को कभी, गायों की कंडीशन आपने देखी होगी बरसात के दिनों में, अगर अभी ये हाल है गर्मी में तो एक भी नहीं जिएगा। अभी तो हम भी गाय, हमारे भी है, हमने भी रखी है, हमारी गायों की कंडीशन क्या है और ये यहाँ क्या हो रही है। मतलब अब गेट पे ताला लग रहा है 24 घंटे, गाय अंदर के अंदर, गेट खोल के भाई एक मजदूर कर ले बाहर घुमा लाए, कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे मवेशी भी मर रहे हैं? यहाँ पे मवेशी मर रहे हैं, वीडियो भी है उनके सबूत, पीछे ही फेंक रखे हैं, गौशाला के पीछे फेंक दिया मवेशी। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।